नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पांच सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले नेता विनय संथालिया धनवार नगर पंचायत परिसर में अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस बाबत उन्होंने बताया कि पिछले दो साल से नगर पंचायत के गठन के बाद से आज तक एक भी वृद्धा व विधवा पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई है, जिस कारण सैकड़ों लोग कार्यालय का चक्कर लगाते हुए पेंशन से वंचित हैं। वहीं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 129 लाभुकों की स्वीकृति मिली है। 25 दिन पहले घर तोड़वा दिया गया है और अभी तक उनका पहला किस्त का राशि नहीं मिला है, जिस कारण लोग बेघर हो गए हैं। कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभुकों को पहला किस्त की राशि का भुगतान करने, जरूरतमंद वृद्धा व विधवा का पेंशन की स्वीकृति देने, आवेदन दिए लोगों को लेबर कार्ड बनाने के साथ काम देने, सभी वार्डों की सफाई व बंद पड़े फॉगिंग की व्यवस्था चालू करने की मांगों पर जब तक विचार नहीं किया जाएगा उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। कहा कि क्षेत्र के सांसद व विधायक का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों विधवा और विधवाएं वृद्धा महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, जिनको पिछले दो सालों में नगर पंचायत के गठन से लेकर आज तक एक भी पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई। ये धब्बा हमारे नगर पंचायत के लिए है कि दो सालों से तमाम विधवा और वृद्धा तमाम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उनको पेंशन का स्वीकृति नहीं दिया गया। और दूसरी बात है कि यहाँ पर 129 प्रधानमंत्री शहरी आवास स्वीकृत हुए हैं, 25 दिनों के पहले तमाम लोगों का आवास तोड़वा दिया गया है, वो रहने के लिए बेघर हो गए हैं, मगर उनका अभी तक पहला किस्त का राशि भेजा नहीं गया। हम मांग करते हैं कि उनका पहला किस्त का राशि तत्काल भेजा जाए। तो तीसरा मांग हमारा है कि जिन लोगों ने मजदूर कार्ड का आवेदन किया है, आज 20-25 दिन हो गया उनको मजदूर कार्ड अभी तक नहीं उपलब्ध करवाया गया, उन तमाम लोगों को मजदूर कार्ड और मजदूर कार्ड के साथ साथ काम तत्काल उपलब्ध करवाया जाए, तमाम वार्डों में नियमित सफाई किया जाए और फॉगिंग की व्यवस्था जो 25 दिनों से बंद है, 1 नंबर वार्ड से लेकर 11 नंबर वार्ड तक तमाम वार्ड में बराबर समानता के भाव से फॉगिंग और तमाम काम किया जाए। और जब तक ये मांगे पूरा नहीं होगा, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं होगा, हम ये बात करने के लिए बैठे हैं कि हमारे विधायक और सांसद इस मामले में चुप हैं। एक महिला यहाँ की सांसद है, मगर दो दो साल से विधवा पेंशन और विधवा पेंशन नहीं हुआ है। यह सांसद के लिए जुबान का बंद रखना दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के लिए है, इसलिए मजबूरन हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। जब तक इन मांगों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, हम आमरण अनशन पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज, राजधनवार।